नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और नए ब्लॉग में। अब हम आपको दिखाएंगे मेघालय, सबसे अधिक वर्षा वाला तथा प्रकृति की अनोखी सुंदरता वाला राज्य दोस्तों मेघालय। तो देखते हैं मेघालय, यहाँ पर तरह तरह के झरने वन। देखिए दोस्तों, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये खेलने का मैदान है ये, और यहाँ की सुंदरता, चर्च, और यहाँ बारिश बन। देखिएगा दोस्तों, कितना खूबसूरत गांव है ये दोस्तों मेघालय का। छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए, ये बाजार है मेघालय के लोग। जनजीवन यहाँ के लोग अपने घरों में गमले भी हैं, पौधे लगाते हैं। यहाँ की शिक्षा मवायरा मेघालय गांव है दोस्तों ये। देखिएगा माँ श्याराम विलेज दोस्तों, यहाँ बारिश काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार व सीधे होते हैं। देखिए दोस्तों, दोस्तों इस ब्लॉग का बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको मेघालय के मोहाना गांव दिखाया जाए, कि ये गांव काफ़ी मात्रा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का जनजीवन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी है दोस्तों। ये देखिएगा बाजार, ये खान पान सब्जी, ये दोस्तों अपने बच्चों को पीठ पर बांध लेते हैं और कई किलोमीटर तक ऐसे ही पैदल चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ की औरतें काफ़ी मेहनती होती हैं। यही उनका मेन रोज़गार है, टोकरी बांध लेते हैं अपने खेतों में से सब्जियाँ, इस टोकरी में लेके आते हैं लोग। ये इनका बाज़ार है सब्जी वगैरह, कपड़े, रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ें लेने का। ये देखिए दोस्तों, घर यहाँ पर ज़्यादातर कच्चे ही मिलेंगे आप, और यहाँ के पानी की सुंदरता बहुत बढ़िया है, पानी एकदम साफ मिलता है यहाँ पे। मछली, पत्थर, सब कुछ पानी में दिखाई देते हैं। यहाँ का खान पान एकदम सादा और सिंपल है दोस्तों। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा स्नेहपूर होते हैं और अपने एकत्र परिवार के साथ रहते हैं, और जो भी घरेलू मैटर है वो आपस में सुलझा लेते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार और स्नेह से एक परिवार में ही एक साथ रहते हैं। इनकी कोई भी समस्या होती है तो ये RTI मेंबर को अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, इससे इनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है और लड़ाई झगड़े काफ़ी कम हो पाते हैं दोस्तों। यहाँ का वातावरण एकदम शांत प्रिय रहता है। एक शांति वाला राज्य मेघालय, जो अपने आप में एक अनोखा ही है। यहाँ का खान पान आम लोगों की तरह है, यहाँ का जीवन भी आम लोगों की तरह है। ये लोग सरकार के द्वारा चलाई गई BPL योजना को
अपने जीवन में अच्छी तरीके से उतारते हैं। सरकार के द्वारा दिए गए राशन से इन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और इनका जीवन आसानी से चलता है। पर ये लोग काफ़ी ईमानदार और मेहनती होते हैं। ये चर्च है दोस्तों, यहाँ का देखिएगा मेघालय का। ये सब्जियाँ, बच्चे स्कूल जाते हुए, यहाँ का जनजीवन एक सामान्य तरह से जनजीवन है। यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं और यहाँ की सरकार काफ़ी बढ़िया तरीके से स्कूल को चलवाती है। और बच्चे यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पढ़ के सफल होते हैं। यहाँ के स्कूल का भी देख रेख सरकार ही करती है। हर गांव में एक स्कूल देखने को मिलेगा जो सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से ही मुमकिन है। सरकार ही टीचर रखती है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बच्चों को तरह तरह के प्रोत्साहन भी सरकार ही देती है। मेरी वाइफ हेडमास्टर है जो एक स्कूल में पढ़ाती है, घर का काम भी करती है। और हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करते हैं, खाने से, पैसे से, हर चीज़ के लिए। जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं उनकी हम लोग आर्थिक मदद भी करते हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं हम उनको किसी भी दिक्कत में सहायता करते हैं। ये एक सोशल वर्क है। यहाँ भी पानी की काफ़ी कमी रहती है। यहाँ के लोग पानी दूर दूर से लाते हैं, वह पाइपों के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। मीठा पानी यहाँ काफ़ी कम मात्रा में मिलता है, पीने योग्य पानी। यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अधिक बारिश होने के कारण गांव के लोग घर भी लकड़ी के बनाते हैं और खाने में चावल का उपयोग ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों अधिक बारिश होने के कारण यहां फसल काफ़ी कम मात्रा में हो पाती है, तो चावल अधिक मात्रा में हो जाता है। यहां ये लोग हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का भी काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती, पशु व अपने हाथों से बनाए गए आभूषण का ही है। ये लोग अपने जंगल से लकड़ियां काट के अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं। इससे इनका घर चलता है और एक अच्छा रोज़गार भी है। यहाँ शिक्षा का काफ़ी अधिक मात्रा में अभाव था, फिर सरकार ने हर जगह स्कूल खोल दिए हैं जिससे कि बच्चे आसानी से स्कूल आते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रकृति ने एक अनोखी सौंदर्यपूर्ण विरासत सौंपी है। देखिएगा लकड़ी अगर
आने जाने के लिए लोग गाड़ी का सहारा लेते हैं। यहाँ पानी की काफ़ी कमी है कि बच्चे स्कूल जाते हुए ये पहाड़ों पर। बच्चों को ये पंचायत घर है, यहाँ पर मास्टर जी और गांव के प्रधान मुखिया सभी समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं को नोट करते हैं और लोगों को तरह तरह की जानकारी देते हैं, जिससे कि इन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। यहाँ के लोग एक जॉइंट परिवार में रहना पसंद करते हैं, सभी भाईचारे के साथ आपस में रहते हैं। ये लोग तरह तरह की कलाएं भी सीखते हैं, जैसे कि धनुष बाण चलाना। इन लोगों का एक प्रमुख खेल है। इसका उपयोग ये शिकार करने के लिए करते हैं। ये लोग काफ़ी अधिक साहसी व फुर्तीले होते हैं। बच्चे शाम के समय खेलते हुए और चर्च, ये देखिए दोस्तों, यहाँ का जीवन एक शांतिपूर्ण जीवन है और लोग भाईचारे और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ खेती की अधिकता नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मवेशी और जंगलों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा साफ है, यहाँ पत्थर भी चमकते रहते हैं, ऐसी प्रकृति की देन है यहाँ पर। यहाँ घर लकड़ियों के बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग मछली काफ़ी अधिक मात्रा में खाते हैं। इसका सेवन काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। चावल और मछली काफ़ी अधिक मात्रा में खाई जाती है। ये इनका प्रमुख भोजन है। ये लोग पत्थर इकट्ठा करके अपने मकान बनाते हैं, जिससे कि बारिश में मकान की मिट्टी न हट सके, इससे मकान में मजबूती बनी रहे। ये लोग अपने पीछे एक टोकरी बांध लेते हैं और उसी टोकरी में अपना सामान भरते हैं। यहाँ पर अनानास काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये यहाँ की प्रमुख फसल और प्रमुख खेती है। अनानास जंगलों से लाके और बाज़ारों में बेचते हैं, जिससे इनका अच्छा पालन पोषण होता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं और मकान लकड़ियों के ही बनाते रहते हैं।
यहाँ पर सरकार की योजनाओं को काफ़ी अधिक मात्रा में पहुँचाने के लिए समय समय पर गांव में बैठक की जाती है। गांव के लोगों को समझाया जाता है कि सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, आप लोग इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। और जो भी नए नए कार्यक्रम होते हैं सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं वो यहाँ के प्रधान या मुखिया के द्वारा गांव के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ की खूबसूरत बनावट भी देखने योग्य है। यहाँ के लोग पक्के तालाब बनाते हैं जिसमें पानी का संरक्षण करते हैं, जिससे पानी समय पर काम आ सके। यहाँ के बाजार ठीक है दोस्तों, खेत पशुपालन जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्र करना खान पान घरों की साफ सफाई आदि उनके रोजमर्रा की जिंदगी के काम हैं। यहाँ मकान काफी दूर दूर होते हैं। यहाँ पहाड़ अधिक होने के कारण मकान भी काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ के लोग शहरों में जाकर काम करने जाते हैं जिससे अपना रोजगार करते हैं। यहाँ की सुंदरता एक विशेष प्रकार के सुंदरता है। यहाँ हर चीज़ प्रकृति की देन है। मज़ार यहाँ के लकड़ी के बने मकान यहाँ काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती व ईमानदार होते हैं। यहाँ बाजार खेत लकड़ी के बने मकान बच्चे स्कूल जाते हुए तो दोस्तों बताइए हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। दोस्तों आज हमने आपको मेघालय के एक गांव की जानकारी दी दोस्तों। गांव में घुमाया, वहाँ के लोग, जनजीवन, वनस्पति, मकान, खान पान आदि के बारे में आप लोगों को बताया। वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, मकान किसके बने होते हैं,
लोग कैसे होते हैं। दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जो कि और इसी तरह के नए नए ब्लॉग हम आपको लाएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, जिससे कि हम और नए नए ब्लॉग बनाएं और आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देते रहें, जैसे कि आप लोग घर बैठे जगह जगह की नई नई जानकारियाँ प्रदान करें और नई नई जानकारियाँ लेते रहें। दोस्तों ये मेघालय अपने आप में एक प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। यहाँ पर प्रकृति ने हर चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में दी है। तो दोस्तों ये था हमारा खूबसूरत मेघालय का ब्लॉग। कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।